सो हे गाइस, हियर आई एम लेजेंड जोरो गाइस। आप लोग देख रहे हैं चैनल गेमिंग को वापस एक नई सीरीज लेके, दैट इज लेजेंड क्राफ्ट। गाइस अभी मतलब कि इस सीरीज को स्टार्ट हुए बहुत सारे दिन हो गए हैं और हमारे साथ मतलब कि कुछ प्लेयर्स भी हैं, लाइक प्रोडा, हेलो, एंड मनल भाई, एंड थंडर बॉय, एंड मैं। सो गाइस अब आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और गाइज अभी तक इन लोगों ने मतलब ये बहुत सारी प्रोग्रेस कर ली है और मुझे पता है कि भाई ये देखो, ये भैया मशरूम है और उधर पे है एक डेजर्ट टेंपल और बाकी का हमें कुछ नहीं पता है। और मनल भाई और मैं तो आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं और थंडर बॉय और प्रोडा और जितने भी लोग हैं सर्वर में सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब तक सिर्फ हम लोग चार लोग हैं। सो गाइज हियर वी गो अगेन, लेट्स गो। तो गाइज मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता हूँ कि गाइज मैं कैसे गया अपने जगह तक और मैंने कितनी माइनिंग की। तो वजह से मैंने थोड़ा सा ईटेक्स पे लगा लिया है और गाइज हम लोग बात करते हैं कुछ फ्यूचर प्लान्स की। तो गाइज ये जो लेजेंड क्राफ्ट है, इधर पे मैंने बहुत ही ह्यूज बेसिस और जितने भी मेरे माइंड में कंट्रैक्शंस हैं तो वो बनाने की सोची है। हाँ गाइज मेरा पीसी लैग कर रहा है अभी भी। सो गाइज उसी की वजह से थोड़ी सी फाइल्स में प्रॉब्लम आ गई हैं, मेरे कुछ टीममेट्स की वॉइस नहीं आ रही है। सो गाइस मैं जितने भी इंपॉर्टेंट मोमेंट हैं तो गाइस वो सब मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। सो गाइस सी यू सून। ओ आओ 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 आओ, ओ क्रीपर, ओ मैन क्रीपर, ओ मैन, सो बी बैक इन द माइंड गॉड ऑफ पिकिंग थिंकिंग। भाई मेरा पूरा का पूरा सामान गया। फक सो वी बैक ऑन द आइलैंड। सो गाइस जैसा कि यूट्यूबिंग का रूल होता है, अपने पहले डायमंड दिखाओ। सो गाइस मैंने ये केविंग करते हुए डायमंड ढूंढे थे। सो गाइस ये हैं कुछ डायमंड्स और इसके बाद भी मैंने एक वेन ढूंढी थी जो कि मैंने सोचा कि भाई मैं प्रोडा से लूटिंग 3 की बुक लेता हूँ और मेंडिंग की, ताकि मेरी डायमंड पिकैक्स अच्छे से हो। सो गाइस फ्री में नहीं लिया उसको, पैसे वो डील किया हम लोगों ने 11 डायमंड्स में। सो गाइस मैं उसके बेस पे गया था और ये वाली फाइल भी करप्ट हो गई है, सॉरी गाइस। बट गाइस फिर उसके बाद प्रोडा ने मुझे ऑफर किया कि क्या आप मेरा बेस देखना चाहेंगे। सो गाइस मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। तो गाइस उसने अपना बेस भी दिखाया, इसकी फाइल आप प्रोडा के चैनल पे आके देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड आई लव हिज बेस। उसने मुझे और भी कुछ चीज़ें दी जो कि मैं वीडियो में आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। सो गाइस मतलब कि उसका बेस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट ये है। सो गाइस अभी हम दोनों में रेस लगी हुई है प्रोडा और मुझ में कि ड्रैगन को पहले कौन मारेगा। After getting looting 3 pickaxe from Prodda, मैं तुरंत ही अपने डायमंड वेन की तरफ गया जो मुझे मिली थी बाइल माइनिंग। सो गाइस मैंने उसे माइन किया, पूरी 5 की थी डायमंड पाई और गाइस मुझे मिले कितने, 11 डायमंड्स, इट्स जस्ट ट्वाइस। सो गाइस उसके बाद ही जस्ट मुझे उसी के बाजू में ही माइन शाफ्ट मिल गई थी। सो गाइस उससे भी मैंने थोड़े बहुत ओर कलेक्ट किए, लाइक रेड स्टोन और डायमंड कलेक्ट नहीं किए, कुछ आयरन ओर कलेक्ट किए। सो गाइस व्हाइल आई वाज वंडरिंग अराउंड सर्चिंग फॉर माय न्यू बेस कि मैं कहाँ बनाऊँ, तभी मुझे एक विलेज मिली। और गाइस उधर पे मतलब ज़्यादा अच्छी लूट नहीं थी, बट मैंने उसी के पास एक क्लीन बैंक देखा और गाइस मुझे उधर पर अच्छा लगा। सो गाइस मैंने जस्ट उधर ही पे बेस बना लिया एंड गाइस मुझे थोड़ी बहुत लूट मिली, लाइक आयरन हेलमेट। एंड गाइस दैट विलेज इज टू गुड फॉर माय फ्यूचर वीडियो क्योंकि मैं उधर पे आयरन फार्म बना सकता हूँ, मेंडिंग की बुक मैं खुद खरीद सकता हूँ, फॉर्च्यून की भी। सो गाइस व्हाइल आई वाज डूइंग दैट मुझे एक आइडिया आया था फिशिंग फार्म का, क्योंकि ये 1.16 में जाने वाले हैं। सो गाइस मैंने जस्ट एक बनाने की कोशिश की, बट गाइस मैंने कोई भी ट्यूटोरियल फॉलो नहीं किया जो मैंने बहुत ही पहले भी बना चुके हैं। सो गाइस उसी मेमोरी के साथ मैंने बनाने की कोशिश की, बट गाइस मैंने एक चीज़ गलत कर दी जो कि था मैंने नोटबॉक्स की जगह जू बॉक्स लगा दिया। सो गाइस
हुआ, प्रॉब्लम हो गई थी, तो गाइस मैंने एक नया बनाया और गाइस उसी को मेरा एक डायमंड भी चला गया, और प्रीशियस डायमंड। सो गाइस व्हाइल आई वाज डूइंग दैट मेरी उसी में डेथ हो गई। फर्स्ट कर आई नो दैट साउंड्स टू फुलिश, बट आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। सो गाइस फिर उसके बाद मैंने अपना स्टफ सेट कलेक्ट किया। सो गाइज मैंने इस घर जो मैंने बनाया है अभी इसे कंप्लीट नहीं किया है, बस थोड़ा सा ही कंप्लीट किया क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टॉक्स हो गया हूँ। तो गाइज मैंने इसे बनाया, इसके बीच में प्रोडक्टा भी आया था मुझे थोड़ी सी हेल्प करने। सो गाइज ये मैंने कंप्लीट किया है और अभी बस मुझे इधर की टेरा फॉर्मिंग करनी है, क्योंकि ये मतलब कि मैंने रूफ़ की जो हाइट है वो बहुत ही कम रखी है, तो मुझे थोड़ा सा नीचे की तरफ टेराफॉर्म करना पड़ेगा ताकि मैं एक हाइट लेवल ले जा पाऊँ। और गाइस मैं इधर पे केव में गया था, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पास फॉर्च्यून 3 की पिकैक्स है, तो मुझे थोड़ा सा एडवांटेज था वो जितने भी और थे। तो गाइस मैंने कुछ ऑफ कैमरा माइनिंग की, एक्चुअली मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसे, बट गाइस ये प्रॉब्लम हुआ कि गाइस फाइल करप्ट हो गई और मैं जस्ट अभी एडिट कर रहा था तब मुझे पता लगा कि भाई बहुत सारी फाइल करप्ट हो चुकी हैं। सो गाइज आई कैन डू एनी थिंग। सो गाइज हम लोगों के पास ये सामान है, नीचे रिवीन भी है और बहुत अच्छी केव है वो, और बहुत ज़्यादा जगह से कनेक्टेड है। ओके गाइज सो मैप लुक समथिंग लाइक दिस, और हम लोग ने घर एकदम बीच में बनाया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा देखने में, बट गाइज वी आर डूइंग समथिंग। एंड गाइज ये सब जितना ही मुझे सामान मिला है तो गाइज अभी ने हम लोग लगा देते हैं। गाइज आप लोग देख सकते हैं ग्रेवल, कोबल स्टोन और ग्रेनाइट और बहुत सारी चीज़ें मिली। और गाइज ये जो लावा बकेट्स हैं ये मैंने इसलिए बनाई ताकि हम लोग आज नेदर पोर्टल भी बना सकें, बट जाएंगे नेदर पोर्टल में कल और परसों तक हम लोग बहुत ही इजीली एंड वो मतलब कि एंडर ड्रैगन को डिफीट करने की कोशिश करेंगे, एंडर पोर्टल तक जाएंगे कल, मतलब कि नेक्स्ट एपिसोड। तो गाइज अभी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ट्राई करेंगे कि गाइज हम लोग जाएं कम से कम नेदर पोर्टल तक, फिर नेदर पोर्टल के आगे देखी जाएगी गाइज। और अभी बस इधर से कोल ले लूँ, लेट्स टेक सम कोल। ओके कोल ब्लॉक बना लेते हैं ताकि हम लोगों का थोड़ा सा फ्यूल कम यूज़ हो। सो गाइज मेरे पास 55 डायमंड थे टोटल में। सो गाइज ये वाले जो 10 डायमंड हैं ये मेरे पहले के हैं, एक्चुअली में 11 थे, तो उसका ही मैंने वो उसका मैंने जूक बॉक्स बना लिया था। सो गाइज जूक बॉक्स बनाने के बाद गाइज मेरे पास 10 डायमंड बचे, फिर उसके बाद मैं माइनिंग पे गया तो मुझे मिले थे 45 डायमंड। सो 45 डायमंड से मैंने एक स्वॉर्ड बना ली थी क्योंकि पास में प्लेजर्स आ गए थे, और एक डायमंड एक्स बनाई थी ताकि मुझे इसके लिए इतना सारा वुड कलर करना पड़ा दूर दूर जा जा के। सो गाइस वो भी है बात। और अभी हम लोगों के पास जितना भी आयरन है, सो गाइस उससे हम लोग और भी चीज़ें करेंगे। सबसे पहले आर्मर बनाते हैं गाइस डायमंड से, क्योंकि डायमंड का आर्मर ज़रूरी है। तो इधर पे हैं डायमंड सारे, तो गाइस लेट्स मेक सम आर्मर। We are full diamond now, guys. Yeah, boy. Yeah. Guys, let's make nether portal. वैसे हम लोगों को जहाँ तक 10 चाहिए होती है, मैंने 11 ले लिए थे बकेट। तो guys देखते हैं
वैसे हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा नेदर पोर्टल कहाँ पे बनाना है। ओह शिट मैं कैसे करूं? ओह शिट मुझे सबसे पहले सोना है, तो सोने के लिए अपन चलते हैं। आई थिंक मैंने एक लॉन्ग बना दिया या फिर मैंने सही बनाया, मुझे नहीं पता। आई थिंक सही है गाइस। अगर होगा भी एक लॉन्ग तो अपन वन टू थ्री। ओके मैंने एक लॉन्ग बना दिया। सो गाइस अब देखते हैं कि अपन क्या करते हैं। यार मैं भी एकदम घुचुड़ हूँ, वही मैं सोच रहा हूँ यार कि मैं ज़्यादा बना दिया। ओके गाइस हम लोगों को आइस बकेट चैलेंज भी मिल गया है। एंड गाइस मुझे माइंड करने पे ज़्यादा मिलेगा नहीं, काश ऑब्सीडियम भी ज़्यादा मिलते। ओके सो गाइस फाइनली वी हैव डन इट बाय दिस मैस। सो गाइस हम लोग इस माइन से नीचे जाते हैं ऐसे, ये प्लेस किया हम लोग ने वाटर, एंड ये वाटर जाएगा नीचे, तो नीचे हम लोग ऐसे आ सकते हैं पानी के फ्लो के साथ या फिर जैसे पानी नीचे आ जाए। ओके सो अब हम लोगों को, अरे पानी तो चाहिए अपने आप को यार, बट उधर पे भी तो होगा यार, देखते हैं गाइस। ओके गाइस सो फाइनली वी आर हेयर, बट इधर पे मॉब बहुत ज़्यादा हैं, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। बट गाइस आई थिंक कि मुझे इधर पे रहना चाहिए। एंड अब इधर से माइनिंग स्टार्ट करते हैं, आई होप कि वेस्ट ना हो। और गाइस इसी एपिसोड में हम लोग इंचेंटिंग टेबल भी बना लेंगे। ओह ये गाइस हम अब बस हम लोगों को एक ऑक्सीजन और चाहिए, फिर उसके बाद अपन बना पाएंगे तो मज़े करेंगे। इंचेंटिंग भी इसी, मतलब कि भाई इस एपिसोड में फर्स्ट एपिसोड है ये लिटरली, और फर्स्ट एपिसोड में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। सो गाइस लेट्स गो। ओके इधर पे मैंने कैसे मिस कर दिया यार। हाउ डिड आई मिस इट। सो गाइस लेट्स जस्ट गो अपस्टेयर। ओके गाइस सो फाइनली वी आर हियर, अब बस हम लोगों को ऊपर जाना है। आओ 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 मरना मत। ओके रात हो रही है, भागो। सोजा। ओ क्रीपर नो मैन। सो वी बैक इन द माइन, गाड़ा पिकैक स्विंगिंग रॉन्ग मैं बस तोड़ निकाल ही रहा था, गेम लैग का यही होता है। आई नीड पीसी, इसीलिए मैं मतलब कि एपिसोड बहुत ही देर से डाल रहा हूँ। गाइस ये मेरा चौथा दिन है लिटरली इन रियल लाइफ, ये मेरा चौथा दिन है माइनक्राफ्ट खेलते हुए। सो गाइस आप लोग सोच सकते हैं कि भाई मैं कितना प्रोग्रेस कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ फर्स्ट एपिसोड में।
क्योंकि गाइस मैं वीडियो एडिट करने बैठा था, सो गाइस सिर्फ 3 भाई, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो हुई थी टोटल में फर्स्ट डे की। यार ये कायको है क्रीप। ओह मैन, मुझे कम से कम 20-25 फ्रेंड मिले थे। ओके एक फ्रेंड मिला। सो गाइस लेट्स मेक इस, सो गाइस नाउ लेट्स इनलाइटन द नेदर। ओके गाइस सो फाइनली वी आर हियर। आओ आओ, कितना चलेगा रे, कितना चलेगा। ओके फाइनली वी आर इन द नेदर। ओके आई होप देयर इज नो गास नियर बाय। और गाइस वैसे भी नेदर जो हम लोग अपडेट करेंगे, तो गाइस उस अपडेट में हम लोगों को नेदर को हटाना है। सो गाइस इसलिए मैं नेदर में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करूँगा, हम लोग बस नॉर्मल जितना चाहिए होता है कि भाई हाँ थोड़ा सा अच्छा करने के लिए। सो गाइस वो सब करेंगे एंड गाइस सो फाइनली वी आर इन द नेदर। और गाइस अब नेदर को एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और क्योंकि मेरा फ्रेंड बता रहा था, एक मिनट ये कैसा है यार, हम लोगों का नेदर ऐसे क्यों बना, तो गाइस लेट्स गो बैक। ओके वेयर आई एम, ओ ये तो प्रोडा का यार नेदर पोर्टल। फ्रिक गाइस हम लोगों का नेदर पोर्टल कनेक्टेड है प्रोडा से, दैट्स टू फ्रिकिंग बैड। भले ही हम लोग 800 ब्लॉक दूर हैं, 800 ब्लॉक दूर हैं यार अपन। ओके ये बनाया है उसने, ओके आई सी आई लव इट। ये वो मुझसे कह रहे थे कि भाई मेरा बेस टूर कर लो, मैंने कहा था भाई करेंगे। अब गाइस मुझे उस डायरेक्शन नहीं, इस डायरेक्शन में 800 मीटर चलना है गाइस। वाओ सो गाइस मैं एपिसोड एंड करता हूँ इधर ही पे गाइस। सो गाइस आप लोग देखते रहें लेजेंड क्राफ्ट। और गाइस मैं अपनी स्किन चेंज करूँगा नेक्स्ट एपिसोड में, और गाइस मे बी चेंज करूँ। सो गाइस एंड करते हैं एपिसोड इधर ही पे प्रो अड्डा के बेस पे। सो गाइस आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और गाइस यार अगर आप लोगों को लेजेंड क्राफ्ट के और एपिसोड चाहिए तो गाइस कमेंट डाउन। और गाइस यार हम लोग अभी बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में भाई कौन डायमंड इतने सारे खोज लाता है। एक्चुअली में 4 दिन भी लगे हैं जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट गाइस वो सब असाइड करके। बट गाइस आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा वो बताना। और गाइस नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे एंड पोर्टल तक जाएंगे बस। फिर उसके बाद थर्ड एपिसोड में हम लोग कर देंगे एंडर ड्रैगन को ख़त्म गाइस, नथिंग एल्स। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस। और गाइस मैं सोच रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीम भी करूँ।